मतलब कौसा कौसा बंगाली में कौसा कौसा चिकन। प्याज भूंजने के लिए डाल चुके हैं तो चिकन भूंजा चुका है, अब धनिया पत्ता डालने का बारी है। एकदम गाइस बहुत टेस्टी बना है, रेस्टोरेंट को भी फेल कर दिया है भैया। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी फटाफट मैं स्कूल जा रहा हूँ। हम नहीं जानते कि मेरा आज स्कूल है कि नहीं है, बस हम श्योर करने के लिए जा रहे हैं। वेल मैसेज किए था अपना दोस्त को तो वो सीन ही नहीं किया, ऑनलाइन ही नहीं हुआ है। वो जो ऑनलाइन हुआ है वो सुबह पर मतलब कल सुबह 10 बजे हुआ था, उसके बाद ऑनलाइन ही नहीं हुआ। तो अब जाके देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर वापस आ जाएंगे। और हाँ, हम नया वाला घड़ी पहने हुए हैं। हमको यार कल खुशी खुशी लग रहा था, रात को एक घड़ी से 3 गो घड़ी हम ठीक कर लिए अपना। गाइस बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरा, स्कूल तो है नहीं। अरे लेकिन कोई नोटिस वगैरह भी तो नहीं आया, हम विश्वास कैसे करते प्रियांशु का बात में कि टीचर्स लोग का पिकनिक था। खैर छोड़ो, अच्छा हुआ जल्दी उठ गया। हम स्कूल आने का चक्कर में ना सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज भी कर लिया, मेरा ही बेनिफिट हुआ। तो खैर फटाफट निकलते हैं, बस ये है कि हम दौड़े दौड़े जो है ना हम गए बहुत ज़्यादा। गाइस स्कूल छुट्टी होने का गम में डंडेलियंस का स्लो वर्जन, बस कॉपीराइट ना आ जाए। बहुत बुरा लग रहा है, इतना मेहनत करके सुबह उठो, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, कपड़ा पहनो, फ्रेश हो, नहाओ ठंडा में, स्कूल जाओ। स्कूल जाके ये पता चले कि कल पिकनिक में बता हम सबको बता दिया गया है कि कल स्कूल नहीं होगा, यू मीन आज स्कूल नहीं होगा, आज टीचर्स लोग का पिकनिक है। वाह, एक नोटिस भी भेजने का मन नहीं किया स्कूल वाला को, अजीब है। मेरे साथ वहाँ पे 10-15 बच्चा लोग और था यार, पता नहीं अभी भी और आते ही होगा या उससे पहले ही आ गया होगा, क्योंकि हम तो आखिर में घुसते हैं। खैर घर जाके सबसे पहला काम होगा तो वो होगा ब्लॉग एडिट करना, क्योंकि रात को एडिट नहीं किए थे हम चार। देखते देखते ही 1:30 बज गया था, 1:30 बजे तक हम लोग सो गए थे। तो अभी फटाफट एडिट कर लेंगे। तो चलो, स्कूल ना जाने का कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ क्या 4-5 फायदा हुआ। सुबह सुबह उठ गया, नहा लिए, एक्सरसाइज कर लिए, अब ब्लॉग भी एडिट कर लेंगे, मूड भी फ्रेश हो गया, बाहर से घूम भी लिया, बस यही था और कुछ नहीं। गाइस रोमन भैया को जब हम लोग का घर आता है ना, तब रोमन भैया को थोड़ा गजनी बनने का मन करता है, मतलब थोड़ा पागल टाइप सा। Correct. बाल बाल नीचे कर लेते हैं, आधा इधर से चिकना, इधर से बाल नीचे। और ये भैया भैया का वॉच रोमन भैया अभी पहन लिए हैं, और रोमन भैया बोल रहे हैं अभी हम नहीं देंगे, लिटरली नहीं देंगे, आज सारा दिन हम ये पहन के रहेंगे, एक और टाइम नहीं। और रोमन भैया का आज एग्जाम है, क्या चीज का एग्जाम है? मेरा एमएससी का एग्जाम है गाइस, प्लीज विशेस करना कि मेरा एग्जाम पास हो जाए। वेस्ट कर वेस्ट नहीं बोले हैं, विश बोले हैं। अच्छा, भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। खैर हम फटाफट जा रहे हैं मार्केट, मार्केट में हमको बहुत कुछ लेना है, स्पेशली बहुत कुछ लेना तो रखते हैं, बाद में करेंगे बातचीत। गाइस मेरा हाथ का हालत आप लोग देख लीजिए, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस हम बाजार जा रहे हैं, बाजार में कुछ भी वीडियो नहीं करेंगे इसलिए अभी बता दे रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बाजार करके आते हैं, उसके बाद जो होगा सो होगा, क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन जो होगा सो होगा। वेल अभी एडिट कर दिए तो ये वाला फोन तो लेके नहीं जा सकते हम बाजार, क्योंकि इसमें डाउनलोड हो रहा है, अगर हम फोन ऑफ कर देते हैं तो डाउनलोड बंद हो जाएगा। और आपको आवाज़ अगर आ रहा होगा एडिशनल आवाज़, तो बाहर में मतलब मेरा पीछे मतलब घर के पीछे ना झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो उसी की वजह से आवाज़ आ रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा। आज मेरा टर्न है लंच बनाने का, तो आज लंच में बनेगा दाल चावल और चिकन। दाल चावल बन चुका है, अब चिकन बनाने का बारी मेरा है। तो चिकन लेके आ चुके हैं हम मार्केट से, अब जा रहे प्याज वगैरह काटेंगे, मम्मी आज रेस्ट लेगी, मम्मी का थोड़ा सा तबीयत खराब है तो फटाफट बनाते हैं। मम्मी को ग्रेवी नहीं पसंद है तो सूखा सूखा ही गाढ़ा गाढ़ा वाला बनाएंगे, मतलब कौसा कौसा बंगाली में कौसा कौसा चिकन। प्याज भूंजने के लिए डाल चुके हैं तो चिकन भूंजा चुका है, अब थोड़ा देर और भूंजेंगे, थोड़ा सा और, उसके बाद फिर पानी डालेंगे इसमें। जैसे कि देख सकते हैं पानी डाल दिया, अब इसको थोड़ा देर के लिए ढाप देते हैं और 10 से 15 मिनट के बाद चिकन बन जाएगा, तब तक हम रेस्ट करते हैं। अब धनिया पत्ता डालने का बारी है, अब इसको मिला देते हैं फटाफट। तो अभिराज बताओ कैसा बना, सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं बताना, मुंह से बताना। बढ़िया बना है। बढ़िया बना है, बहुत टेस्टी बना है। हर वीडियो में कब मुंह खोलने का मन नहीं करता, खाली हाथों से इशारा करता है। एकदम गाइस बहुत टेस्टी बना है, रेस्टोरेंट को भी फेल कर दिया है भैया।
तो मम्मी खिला रही है, बाद में बात करें। बाय बाय। अरे अभी नहीं। तो गाइज अभिराज जब खा रहा था वही लास्ट हम वीडियो किए, उसके बाद हम वीडियो नहीं किए हैं। मतलब पता नहीं क्यों नहीं किए, लेकिन बस नहीं किए। मतलब कोई अच्छा तो हुआ नहीं, बस पानी भर रहे थे इधर उधर, बस इधर उधर लेटे हुए थे, और कोई काम धाम तो है नहीं, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड्स है नहीं, बाहर तो जाते नहीं घूमने के लिए ना और कुछ वगैरह वगैरह। और हाँ, हम मतलब बहुत ज्यादा सोचे जिम का लेके, तो जिम का लेके हम सोचे जहाँ पे इक्विपमेंट्स कम हो, जहाँ पे एसी नहीं हो, जहाँ पे मतलब चारों तरफ लोहा ही लोहा दिखे, उसमें मजा ही आता है। मतलब कम चीज में ज्यादा करने का मजा ही कुछ और है। अब वही हम वहाँ चल जाएंगे तो गर्मी आ रहा है, जैसे हाई फाई एसी चल रहा है, 10-15 ये ट्रेडमिल है, डंबल्स वगैरह है, यहाँ जो है ना मतलब कि बारी बारी से डंबल लेके एक्सरसाइज करना, कोई भी बारी बारी से मशीन में एक्सरसाइज करना, या जल्दी जाना कि जिम भीड़ ना हो जाए तो उसमें फिर एक्सरसाइज नहीं होगा, जल्दी जाके खाली रहेगा तो फटाफट एक्सरसाइज करके कंप्लीट करके आ जाएगा। तो वही सब, तो वो देशबंधु वाला जिम जाना कैंसिल, यही वाला जिम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी नहीं, फाइनल एग्जाम के बाद। वेल, घर में ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो घर में हम एक्सरसाइज अभी फिलहाल 3 दिन से कर रहे थे, तो फोरआर्म्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमको अपना फोरआर्म्स बड़ा करना होगा, और बाइसेप का एक्सरसाइज कर रहे हैं, शोल्डर का एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, और बस यही, और कुछ नहीं, और हैंड ग्रिपर से एक्सरसाइज कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम कल से सोचे हैं कि मतलब कल सुबह से हम दौड़ने जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं दौड़ेंगे, लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो फिर अनकसा आ जाएंगे। अगर हम लोग का वर्ड्स में बोला जाए तो अगर नॉर्मल वर्ड्स में बोला जाए तो लेजी हो जाएगा, हम लोग का वर्ड्स में बोला जाए तो अनकसा आ जाएंगे, सीधा बात, लेधू बन जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि दौड़े, सुबह सुबह जल्दी उठना भी हो जाएगा, दौड़ भी लेंगे, दौड़ के आके पढ़ाई भी कर लेंगे, और उसके बाद ब्लॉग भी एडिट वगैरह कर लेंगे। अगर रात को एडिट करेंगे तो सुबह अगर जल्दी उठते हैं ना तो सुबह ही एडिट कर लेते, तो कल से यही रूटीन रहेगा, दौड़ना, एडिट करना, पढ़ाई करना, मेन 4 चीज पे फोकस करना आपको, खाना, पढ़ाई, एक्सरसाइज और ब्लॉग। गाइस, जो मैं एडमिशन फी बताया था अपना ई का जिम का, वो टोटल 3100 बताया था, इंक्लूडिंग एडमिशन फी लेके, सिर्फ 200 रुपया महीना का नहीं, ये मत सोचना कि मेरा मैथ्स गड़बड़ है, मतलब इंक्लूडिंग एडमिशन फी, और वहाँ का जो देशबंधु पार्क का जो ये है वो 3000 में, मतलब पूरा साल इंक्लूडिंग एडमिशन फी सब कुछ वही 3000 है, यहाँ पे 3100 बस ले रहा, मतलब 100 रुपए ज्यादा ले रहा, तो फिर भी यहीं पे करेंगे। गाइज, तो आज का डिनर में हम लोग का बना हुआ अंडा करी और चावल और दाल, जो है दोपहर का वही वाला दाल, तो अभी बनने में और टाइम लगेगा, यू मीन हाफ एन आवर और लगेगा हम लोग को डिनर करने में, तो हम तब तक नहीं जगे रहना चाहते, हम चाह रहे कि हम डिनर नहीं करें और चुपचाप सो जाए। तो फटाफट हम ये व्लॉग का एंड करते हैं, डाउनलोड पे लगा देते हैं, कल सुबह अपलोडिंग के लिए डाल देंगे दौड़ने जाने से पहले। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।